Guys, am I audible? Yes, good morning. गुड मॉर्निंग बेटा, चलो तो शुरू करते हैं। गाइज, इन लास्ट टू लेक्चर्स वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड द पीरियोडिक टेबल। हमने कुछ ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर की बात की, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात की, है ना। फिर एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड वी फाउंड दैट प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर मैजिक नंबर्स। कौन से मैजिक नंबर्स? 2, 8, 8. फिर हमने ग्रुप्स डिफाइन किए, पीरियड्स डिफाइन किए, ब्लॉक्स बताए SPDF, है ना, और हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक, इसका डिस्कशन किया। मेरे ख्याल से यही लास्ट पार्ट था, तो थोड़ा सा उसको और डिस्कस करते फिर जो है इसके आगे का जो पार्ट होगा वो पीरियोडिसिटी से रिलेटेड होगा। तो आज एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो डिस्कशन करेंगे हम लोग। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट का, और स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेकिन उससे पहले जो लास्ट दो लेक्चर्स में हुआ उसको थोड़ा सा एक क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर लेते हैं, और लास्ट पार्ट हमने थोड़ा सा जल्दी में फिनिश किया था उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चल, सो बेसिकली जो डिस्कशन था हमारा वो था लास्ट पार्ट जो था लास्ट लेक्चर में, कि हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड एंड ब्लॉक। तो हम लोग ने क्या पॉइंट्स लिखे थे बेटा, कि फर्स्ट वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पहला पॉइंट था, रूल जिसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसमें देखते थे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया था ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा दैट डिफाइंस व्हाट, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, ये हमने किया हुआ था। फिर हमने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो उसमें जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको क्या दे जाता है बड़ा, पीरियड, है ना, ये भी हमने कर लिया। फिर हम लोगों ने ग्रुप के लिए थोड़ा सा अलग सा था, ग्रुप के लिए हमने बोला था कि अगर मान लीजिए कि एलिमेंट ये पता चल जाए कि वो एस या पी ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर बड़ा सिंपल सा है, उसके बाद कि आप एनएस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, एनपी इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो और 10 ऐड कर लो, ठीक है। अगर डी ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर जो है उसमें एन माइनस वन डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट कर लो, तो आपको डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा उसका ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। और एफ के लिए तो सिंपली ये सारे के सारे एलिमेंट्स किस ग्रुप में हैं, जिसको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये था, ये तो देखो जो तब लोग जानते हैं, है ना, जो भी टेस्ट लिखने जाएगा, एग्जाम देने जाएगा, उसको सबको ये पता रहेगा। तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का और एनालिसिस कर लोगे ना पीरियोडिक टेबल का, तो आपको इतना लंबा सा ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये पीरियोडिक टेबल का तो आइडिया है ना, ये आपको पीरियोडिक टेबल का इस तरह का आइडिया है। मैंने बोला था कि जब भी ऐसा कुछ करना होगा तो हम लोग नोटबुक पे अपने डिजाइन ये बना लेंगे, हमेशा सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या पता है अपने को, अपने को पता है कि यहाँ हाइड्रोजन है ना, ये फर्स्ट वाला तो याद ही रहता, सबको याद रहता है हाइड्रोजन है, फिर यहाँ लिथियम है ना, सोडियम है। अब हाइड्रोजन और लिथियम सोडियम, ये तुम्हारा ये तो पता चल गया, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, तो ये जो डी वाला चालू होता है ये फोर्थ से शुरू होता है, और फोर्थ यहाँ एस में कौन सा होता है बेटा, पोटेशियम। सो लिथियम सोडियम पोटेशियम, फिर यहाँ रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, फ्रांसियम आएगा,
है ना, ये अपने को पता है। तो फोर्थ पीरियड हो गया, फिर ये फिफ्थ पीरियड हो गया, ये सिक्स्थ पीरियड हो गया, ये सेवन्थ पीरियड हो गया, ये अपने को पता है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करने का ये फायदा रहता है कि अपने को ये मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर तो वन था, लिथियम का कितना था थ्री था, सोडियम का कितना था इलेवन था, पोटेशियम का कितना था नाइनटीन था, राइट ना, रुबीडियम का कितना था बेटा 37। ना भी याद हो तो देख सकते हैं, पहली बार एनालिसिस करेंगे तो पीरियोडिक टेबल देखने में क्या प्रॉब्लम। सीजियम का याद है क्या कुछ? अरे वाह, और फ्रांसियम 87, है ना, ये अपने को पता है। इसके अलावा जो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए वो ये कि ये जो थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड कह रहा हूँ, ये सिक्स पीरियड में और थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो लैंथनम होता है, फिर सेवेंथ पीरियड में एक्टिनियम होता है ना, तो इनका अलग से इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ये 57 है और ये तुम्हारा यहाँ पर 89 है। Am I correct? Yes. ये हो गया। इसके बाद के जो होंगे तुम्हारे पास, इसके बाद 14 एलिमेंट जो होंगे वो F के होंगे, और इसके बाद के 14 एलिमेंट जो होंगे वो F ब्लॉक के होंगे, राइट ना, ये इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि मुझे लैंथनम के बाद अगला जो यू नो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, अगला जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा उसको अगर पता करना है तो क्या करोगे बेटा? ये जो 14 आपको दिख रहा है, ये जो 14 आपको दिख रहा है वो क्या करोगे बेटा? इस 57 में ऐड कर दोगे। Am I correct? तो आपको मान लीजिए अगला मेरे को यहाँ वाला चाहिए होगा, तो ये क्या हो जाएगा 57 प्लस 14 कितना निकला? कितना निकला? 71। ये 71 लेकिन F ब्लॉक को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ वाला क्या होगा 72। इसी तरह इसको एनालाइज कर लेते हैं, 14 एलिमेंट्स आपने 89 में ऐड कर दिए, तो आपको ये लास्ट वाला जो यहाँ वाला होगा वो मिल जाएगा, कितना होगा ये 103। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्टिनियम के जस्ट बाद यहाँ पर क्या दिखेगा, कौन सा? ये थोड़ा सा आपको एनालिसिस मान लीजिए आपने घर पे कर रखी है ना, पूरा इस तरह से 4 से 5 बार तुमने कर लिया है। अब वो तुम्हें कुछ भी दे दे, तुम्हें उसने मान लीजिए अचानक से दे दिया कि ऐसा है, तो मैं देखो एक चीज है कि अगर उसने यू नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आपको वही करना है जो हमने रूल्स किए हुए हैं, राइट ना, हमने जो रूल्स लिखे वही करना है। लेकिन अगर उसने अचानक से दे दिया, ऐसा करिए कि आप एटॉमिक नंबर मान लीजिए कि उसने 46 दे दिया और बोला कि बताओ 46 वाला जो है वो एलिमेंट कौन से पीरियड कौन से ब्लॉक, तो इतना सारा आपको दिमाग उसमें नहीं लगाना है, 46 आपको देखना है कि भाई इस सीरीज में वो किस पीरियड पे आ रहा होगा या किसके बाद आ रहा होगा, कम से कम इतना पता कर लो। तो 47 किस नंबर के बाद आया होगा? 37 के बाद, है ना, ऑब्वियस है 37, और ये फिफ्थ पीरियड है, या तो कोई एफ वाला चक्कर भी नहीं है, सीधे आपको चलते चले जाना है, तो आप क्या फटाफट लिख दो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। यहाँ आ गए, ये तुम्हारे दो तो चले गए फर्स्ट और सेकेंड एस ब्लॉक वाले, फिर ये जो 39th है ये डी से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से डी शुरू होता है, और ये इसको आप 3 बोलते हो, 4 बोलते हो, 5th बोलते हो, 6th बोलते हो, 7th बोलते हो, 8th बोलते हो, 9th बोलते हो, 10th बोलते हो। इसका मतलब है कि ये जो 46 वाला है ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा? 10th ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा, और ब्लॉक तो अपने को पता ही चल गया कि भाई यहाँ पर तो डी ब्लॉक ही है बीच में, है ना, ये डी ब्लॉक हो गया। जब तक आपका 12 के बाद से शुरू होता है ना, 12 ग्रुप नंबर्स तक तो आप डी ब्लॉक में ही रखोगे, राइट ना, ये हो गया, आपको ग्रुप नंबर पता चल गया, आपको ब्लॉक पता चल गया, और 37 होने का मतलब पीरियड कौन सा हुआ? 37 से नंबर शुरू हुआ ना, तभी तो 46 तक पहुंचे, तो इसका मतलब फिफ्थ पीरियड हो गया। तो आपको वो सब करने की जरूरत ही नहीं, वो थोड़ी ना कहने वाला, कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना आने वाला है कि वो बोलेगा
आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेथड से निकालो, आपको तो फटाफट आंसर निकालना है, कुछ भी दे देगा। मतलब जैसे मान लो अचानक से उसने दे दिया तुम्हें 64 दे दिया, तो आप क्या करोगे? 64 कहाँ से शुरू करोगे बेटा? 55 वाले नंबर से, है ना? 55 वाले से 87 जब तक नहीं आता, इसका मतलब ये 6th पीरियड का है, ठीक है ना? क्लियरली पता है 6th पीरियड का है। आप 64 के बाद ये देखो 57 तक जब जाओगे तो वो डी ब्लॉक का रहता है। आप 57 अपने को पता है कि ये थर्ड ग्रुप का है, कहीं एफ ब्लॉक का तो नहीं है? वो चेक कर लेते हैं, 57 58 59 60 61 62। अरे ये तो यहीं से पता है, देखो 71 तक तो एफ ब्लॉक वाला ही रहता है, तो आपको ब्लॉक भी पता चल गया, राइट? और थर्ड ग्रुप पता चल गया, सेकेंड्स में सब निकलता है आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। बस वो पीरियोडिक टेबल का डिजाइन बना लो, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम फ्रांसियम लिख लो, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पीरियड मेंशन कर दो और उनके एटॉमिक नंबर्स लिख दो। बस इतना आइडिया लेने के लिए कि जब भी कोई एटॉमिक नंबर दिया होगा तो हम ये देखेंगे किसके बाद आ रहा है वो। अब इसमें अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसका डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में भी, कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। मैंने वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सारे जो एलिमेंट्स है लगभग सबका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप उसमें से लिख, जब भी टाइम हो आप जरूर उसको सब नोट डाउन कर ले। और अभी यहाँ पर मैं आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, है ना? सारे तो नहीं कर रहा हूँ, जितने जरूरत के हैं, और बाकी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं 3D सीरीज की। अगर आप याद करो तो हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक है? पहली ट्रांजिशन सीरीज, दूसरी ट्रांजिशन सीरीज, तीसरी, इस तरह से। तो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो क्रोमियम एंड कॉपर वाले हैं, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था। तो इसमें जैसे आर्गन 3D5 4S1, ये क्या था? इसमें भी सेम वे में, और ये कर देंगे 3D10 4S1, ये अपने को मालूम है, ठीक है? अब आते हैं जो अलग सा, जो ज्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं, नहीं पढ़ कर जाते हैं, तो हम वो भी लिख लेते हैं। ये तो क्रोमियम कॉपर सब लोग पढ़ते हैं, NCERT में भी दिया हुआ है, CBSE में भी रटाते हैं इसको। तो अब बात करते हैं नायोबियम की, 4D सीरीज में नायोबियम है। तो नायोबियम के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसको लिख दो 4D4, और यहाँ पर आएगा 5S1, 5S1। 4D सीरीज में जब जाओगे तो ना नायोबियम मिलेगा, मॉलिब्डेनम मिलेगा, इसके अलावा रुदेनियम मिलेगा, और रोडियम मिलेगा आपको, पलेडियम भी मिलेगा, सिल्वर भी मिलेगा, ठीक है? तो नायोबियम का मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसके अलावा मॉलिब्डेनम MO से रिप्रेजेंट करते हैं,
और 4d5 5s1 इसको लिख लो, मॉलिब्डेनम हो गया, रुदेनियम जो है उसको लिख लो, रुदेनियम के लिए लिखेगा 4d7 और 5s1। इसके आगे सब क्रिप्टन लगा सकते हैं, रोडियम लिख सकते हैं, रोडियम रोडियम के लिए यहाँ पर 4d8 5s1, ठीक है। फिर पैलेडियम के लिए यहाँ पर, पैलेडियम के लिए 4d10 5s0 है, जीरो है। और सिल्वर के लिए, सिल्वर के लिए 5s1 होता है, तो 4d10 5s1। ये जो है 4d सीरीज वाले एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं। अब इसमें 5d सीरीज में भी लिख लो, 5d सीरीज में वैसे तो हम उतना नहीं कर रहे हैं, हमको मेन चीज इसमें जो करनी है, एक तो इसमें आप लिख दो जो एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक प्लैटिनम के लिए, प्लैटिनम अपने को करना है और एक गोल्ड करना है, ठीक है ना। प्लैटिनम के लिए लिख लो 4f14 5d9 6s1, ठीक है। और गोल्ड के लिए है 4f14 5d10 6s1, ये आप कर लो इसको, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। इसके अलावा एफ ब्लॉक का है तो, लेकिन उसमें हमको, हम जो लिखेंगे एक लिखेंगे गैडोलिनियम करके, ये एफ ब्लॉक वाला है, जीडी करके इसको सिंबोलिकली लिखते हैं, गैडोलिनियम, ठीक है। और 4f7 5d1 6s2, ये लिख लो। मेरे ख्याल से आप इतना करोगे तो इसके बियॉन्ड कभी पूछा नहीं गया है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट इज इनफ। कॉपी कर लिया? हाँ सर, यस सर। हटा दें? हाँ यस सर। चलो अब आप देखो, क्वेश्चंस थोड़े बहुत आपको देते हैं। एक क्वेश्चन तुम ऐसे लिखो, पहले तो एक पहले इजी वाला देते हैं जो हमने किया वही, तो बाय यूजिंग, देखो आएगा वही लिखा हो, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा मतलब लैंग्वेज में ऐसे ही लिख कर आएगा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द ग्रुप, है ना। अब सब्जेक्टिव तो है नहीं, अब मान लीजिए किसी को पीरियोडिक टेबल रटी हुई है तो वो क्यों करेगा ये सब झंझट, अब अभी सब्जेक्टिव होता तो लिखता भी पीरियड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, फॉलोइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जैसे दिया हुआ है 13 ले लो एक, 35 ले लो, है ना, फिर 56 ले लो, 78 ले लो, 65 ले लो। चलो Thank you.
बस वही डिजाइन आप बना लो पीरियोडिक टेबल, एक बार ऊपर से बना लिया डिजाइन, और उसके बाद बस वो नंबर्स लिख दिए, है ना, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 86, 87, और फिर देख लो कि कहाँ से शुरू करें किसका, और वो लाइन से फटाफट निकलता चला आएगा। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद रखना 10 होते हैं एक रो में, 10 कॉलम्स होते हैं डी ब्लॉक के लिए, 2 कॉलम्स होते हैं एफ ब्लॉक के लिए। तो जैसे ही तुम जो है पी ब्लॉक में एंटर करोगे तो जो यू नो कॉलम्स का वो नंबर आप देखोगे तो 13th पे एंट्री मिल रही है आपको पी ब्लॉक, फिर 13, 14, 15, 16 ऐसे चलता है। सारा निकाल लिया? एक मिनट सर। चलो एक मिनट ले लो। डिस्कस कर ले बेटा। हाँ तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा, पहले तुम लोग आंसर बताओगे क्या 13th के लिए क्या निकाला बेटा? ग्रुप नंबर 13, पीरियड नंबर थर्ड, ठीक है, और 35 के लिए करेक्ट है पीरियड नंबर 4, 56 के लिए सेकेंड ग्रुप है 56, और हाँ 6th पीरियड, बिल्कुल सही है, और 78 नंबर के लिए 10th ग्रुप नंबर है, और वेरी गुड, और 65 के लिए थर्ड ग्रुप है और 6th पीरियड है, बिल्कुल सही, फैंटास्टिक। अच्छा थोड़ा सा वो और यू नो तुमसे खेल सकता है, जैसे 3 लिखा है तो इसके बदले हो सकता है, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 13th लिखा है इसके बदले आपको वो 3A दे सकता है ना, तो पुराने वाले उसमें दे सकता है। 17th लिखा हुआ है तो क्या दे सकता है बेटा, याद आ रहा है? 2 दिया है तो क्या दिया होगा? 2A। 10th दिया होगा तो क्या दिया होगा, गेस करो। 8B, फैंटास्टिक। और इस 3 के लिए क्या दिया होगा? 3B। समझ गए बेटा? तो ये वाले स्टाइल से भी आपको वो दे सकता है, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जैसा मैंने बोला कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये डिजाइन तैयार रखो, इससे आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ हाइड्रोजन के लिए तो 1 से शुरू करते हैं, फिर यहाँ पर 3 आता है, 11 आता है, फिर 19 आता है, फिर 37 आता है, 55 आता है, और 87 आता है। अब आप 13 देखते हो तो 13th इस 11 वाले उसमें आएगा, तो साफ साफ पता चल गया 1, 2, 3 थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गया, और यहाँ जब आगे जाओगे तो इस जगह आपका 13 शुरू होगा, है ना। मैंने वैसे ही बोल रखा है कि आप अगर शुरू करोगे 1, 2, 3 तो 13 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब है आपको जो है वो
13 ग्रुप यहाँ पर मिल गया, ये भी हो गया। 35 देखोगे तो 35 कहाँ आएगा, तो आप 19 से काउंट करने के बदले 37 यहाँ पर रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ नोबल गैस ऊपर होगी 36 वाले, इसके जस्ट पहले 35 हो गया। सिंपल सा है, नोबल गैस वाले 18 होता है ग्रुप, तो ये कौन सा हो जाएगा 17 ग्रुप। जरूरी नहीं कि पूरा ऊपर लेफ्ट से राइट ही जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबने, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ऐसे लिखिएगा, इफ ऑफबो प्रिंसिपल, इफ ऑफबो रूल इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इफ ऑफबो रूल ऑफ अ प्रिंसिपल इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। तो पीरियड तुम्हारे पास है ही, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड। अगर ऑफ द प्रिंसिपल को नहीं कंसीडर किया होता तो फिर कितने एलिमेंट्स होंगे पीरियड वाइज आपको नंबर बताना है। जिस जिसको भी आंसर आता जाता है वो हाथ उठा देना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने कितने लोगों का आ गया। Yes. Sir, first period में two elements. अरे रुको रुको रुको, सबको बता, हाथ उठा दे, केवल हाथ उठा दे कि आ गया सारे, तुम्हें सारे आ गए ना पदकान। सेवेंथ पीरियड तक ही निकालना है। हाँ सेवेंथ तक ही निकालना है, जितने पीरियोडिक टेबल में है उतने ही, खाली तुम्हें ऑफ प्रिंसिपल को लेना नहीं। आगे सारे और बाकी बच्चों को भी आए। चलो आप पद्मकान बोलो बड़ा आंसर। सर फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, हां फोर्थ पीरियड में 8 एलिमेंट्स, एंड फिफ्थ पीरियड में 3 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड में 20 वेरी गुड वेरी गुड। तो आप जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इनडायरेक्टली यू नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंडिकेट कर देते हैं, है ना, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो तो पोजिशन नंबर चेंज हो जाता है, ठीक। तो हम सीधे सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला। पहले क्या हो रहा था कि ऑफ प्रिंसिपल के चक्कर में हमको क्या करना था, 1s से 2s जाते थे और 2 को काउंट नहीं करते थे, ठीक है। 2s जाते थे 3s तक और 3s को काउंट नहीं करते थे। अब इसमें क्या है, फिर एनर्जी लेवल जो है वो हमारा जो है डिसाइड कर रहा था कि कौन सा ऑर्बिटल भरा होगा कौन सा नहीं भरा होगा, तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं। अब हमको क्या करना है, बिकॉज हम ऑफ प्रिंसिपल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो है पहले भरेगा वगैरह वगैरह, तो आप सीधे सीधे जब आप 1s बोलोगे तो बस उसमें जो भी s बिलोंग करता है उसको लिख दिया, 2s के टाइम पे क्या लिख दोगे, 2 p का बना दोगे, जो है 3 ऑर्बिटल्स और 1 s का बना दोगे, 3s वाले केस में क्या कर दोगे बेटा कि 3 वाले में आप इस बात की चिंता नहीं करोगे एनर्जी वाइज, अब तो आप केवल ये देखोगे कि ऑर्बिटल या सबशेल क्या बिलोंग करता है उसको, जैसे 3d होता है इसमें, यस ऑफ कोर्स होता है, क्या 3p होता है, ऑफ कोर्स होता है, थर्ड शेल में तो होगा ही होगा और 3s तो होगा ही होगा, आप सीधे काउंटिंग कर सकते हो।
राइट। अब आप इसमें क्या ऑर्बिटल देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्बिटल्स हो गए, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 18, एंड 18 एलिमेंट्स कर दिए, इसी तरह से यहाँ कर दिए। ये आपको कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया, आप डायरेक्टली करना होगा तो क्या कर दोगे, सीधे फॉर्मूला लगा दोगे 2n2, क्योंकि यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता था nth शेल में, याद है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल क्या होता था, 2n2, और वही तो, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है, तो हमारा यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला हो गया, प्रोवाइडेड ऑफ द रूल इज नॉट ओबेड, क्योंकि एनर्जी का चक्कर नहीं होना चाहिए कि लोअर एनर्जी ये वो, अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें जितने ऑर्बिटल से सारे भरने हैं, 2s है, जितने ऑर्बिटल से सब भर दो और फिर देखो कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो जो सही आंसर आया फर्स्ट पीरियड के लिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट पीरियड के लिए जो आया वो 2 था, सेकेंड पीरियड के लिए जो आया 8 था, थर्ड पीरियड के लिए 18 था, फोर्थ पीरियड के लिए 32 था, फिफ्थ पीरियड के लिए 50 था, सिक्स्थ पीरियड के लिए 72 था और सेवेंथ पीरियड के लिए 98 था। चेक कर लो यही आंसर्स हैं कि नहीं। कोई कंफ्यूजन किसी को? और लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसमें ये कंसीडर किया था 112 एलिमेंट्स वाला, तो उसमें ये ऑफबर रूल कंसीडर करते, मतलब ये कंसीडर करते हुए और बिना उसके दोनों केसेस के आंसर्स बताना बेटा। उसमें ऐड कर लो अपना क्वेश्चन को कि विद ऑफबर रूल एंड विदाउट ऑफबर रूल। हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे लिखो, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इफ ऑफ अ प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, is not followed, what are the blocks of the following elements? एक ले लो जैसे कि पोटेशियम ले लो, है ना, दूसरा Fe ले लो, गैलियम ले लेते हैं, ठीक है, और फिर समझ लो टिन ले लिया तुमने, चलो बताओ बेटा।
हो गया दूसरा टू मिनट्स। हाँ सबने कर लिया देखो डिस्कशन कर लेते हैं इसका। सबसे पहली बात है कि अब हमें ऑफ प्रिंसिपल अगर यूज नहीं करना है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। और रूल क्या कहता है कि लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन, रूल इन द सेंस फाइंड ब्लॉक, लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द ब्लॉक, ये मालूम है अपने को। तो हम लोग जैसे पोटेशियम लिखते हैं तो पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन्स है तो चलो भर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1s है तो एक साथ ऐसा फर्स्ट के सारे एक साथ रखेंगे, सेकेंड शेल के सारे सब शेल्स एक साथ रखेंगे, थर्ड के एक साथ रखेंगे, ऐसा चलता है। ठीक है, ये स्टाइल होती है, ऐसे रखा जाएगा। अब आप भरोगे तो यहाँ 2 कर दोगे, यहाँ 2 कर दोगे, यहाँ 6 कर दोगे, यहाँ पर 2 कर दोगे, यहाँ पर 6 कर दोगे, और फिर यहाँ कितना बचा, 1 बचा। क्या समझ में आई बात बेटा? इसका मतलब है कि जो पोटेशियम है, जो पोटेशियम है उसका पुरानी पीरियोडिक टेबल में, पुरानी इन द सेंस जो सारे रूल्स फॉलो करती है, जो एक्चुअली में टेबल है उसके हिसाब से पोटेशियम जो है वो था किसमें, एस ब्लॉक में। हमारे नए रूल के हिसाब से अब किसमें आ गया, डी ब्लॉक में आ गया। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में मिल सकते हैं क्योंकि आपको वो रूल भी चाहता है पता होनी चाहिए कि कैसे निकाले जाते हैं चीजें, और चेंजेस कर दिया क्योंकि डायरेक्टली दे दिया तो फायदा क्या, वो तो सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा भी कर देगा, वो तो सब पढ़ कर गया है वहां पर, तो आप में और उसमें डिफरेंस कहां पर आएगा, ऐसे चेंजेस करने। फिर यहाँ पर मान लीजिए कि आपने एफ ई लिया, एफ ई 26 था, सेम स्टाइल में 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर तुम्हारा 3s2 3p6, और कितना आ जाएगा 3d व्हाट बोलो, 8 आएगा राइट, काउंट कर लो। तो इसका मतलब ये पहले भी डी था, अभी भी डी निकला। बात समझ में आई बेटा? अब इसमें गैलियम देख लो 31 है, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 ये 3d 10
अभी हाँ इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, तीन इलेक्ट्रॉन्स और बाकी है, तो ये हो जाएगा 4s2 4p1। तो ये पहले भी पी ब्लॉक में था, अभी भी पी ब्लॉक में है, ठीक है। फिर हमने टिन भी ले रखा है ना, तो टिन 50 वाला केस हो गया, तो ये और बड़ा हो गया। 1s2 2s2 2p6 भर दिया, 3s2 3p6, 3d10 भर दिया। फिर अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो 4s2 4p6 4d10, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए तुम्हारे? कितने बच गए? चार बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना, 4f4। तो देखो पहले जो टिन था वो ऑफ कोर्स पी ब्लॉक को बिलोंग करता था, अभी कहां पर आ गया? एफ ब्लॉक। बात समझ में आई क्या बेटा? स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा? अब तुम एक क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि देर इज रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर 2, 8, 8, 18, 18, 32 एलिमेंट्स इन द पीरियड, जिसको हमने बोला मैजिक नंबर, एम आई करेक्ट? हाँ। तो अब यही चीज मानते हुए, इस चीज को हाईलाइट कर लो पहले क्वेश्चन में, ये मानते हुए अब आप फाइंड करिए मैजिक नंबर्स, फाइंड मैजिक नंबर्स इफ ईच ऑर्बिटल कैन टेक अकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैजिक नंबर्स आपके पहले क्या थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब आपको मैजिक नंबर्स निकालने हैं, ये मानते हुए कि ऑर्बिटल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। सबने कर लिया? तो बताओ बेटा मैजिक नंबर क्या क्या है? 3, 12, 27, 27, 48। चलिए, बिल्कुल सही। तो अब फिर से वही चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे गए, लेकिन डिफरेंस केवल इतना हो गया कि अब जो है आप जो ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि भाई फर्स्ट पीरियड की बात करें, है ना, तो फर्स्ट पीरियड में 1s लिखते हैं और 1s में आप 3 डाल दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब पहले से अगली बार यहाँ पर आओगे तो इसका मतलब है 3 एलिमेंट्स का आपको वहां पर वो आया। तो अब जब 2s में जब रिपीटिशन वाली बात आएगी तो 3 वो जो मैजिक नंबर आपको 3 नजर आया, फिर इसके बाद क्या करोगे बेटा? 2s2, सॉरी अभी तो 2 नहीं करेंगे ना, 2s3, और फिर क्या कर देंगे? 9। तो इसीलिए अब आपके पास अगली बार के लिए 12 हो गया, राइट ना। और फिर इसी तरह से जाओगे थर्ड वाले में जाओगे तो 3s 3 3 3 9, फिर से 12 वाला केस हो जाएगा। फिर जब अगली बार जाओगे तो ये 4 वाले से होगा, तो 4 के लिए क्या करोगे? 4s क्या करोगे बेटा? 4s3, फिर 4p9, फिर 4d5। हाँ, 3D कितना लिखते हैं?
15, बिल्कुल सही, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। तो ये नंबर कितना आ गया, 27, सही है। yes. तो इसी बेसिस पे सब जाएंगे तो आपको परफेक्ट आंसर, जिसको नहीं आया अपना वो कॉपी जरूर कर ले, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। चलो इसको हटा दें। अब आते हैं, हेडिंग डालिएगा बेटा, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Now, सबसे पहले क्वेश्चन arises, why do we study this? इसकी जरूरत क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है बेटा कि there are many properties which can be easily predicted by this. अगर ये concept तुमको आता हो तो तुम आसानी से उन प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर दोगे। तो वो तो हम अभी बाद में लेंगे, क्योंकि जब तक ये पढ़ेंगे नहीं उसको यूज नहीं कर पाएंगे वहां पर। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। वैसे मैंने थोड़ा बहुत तुम लोगों को आइडिया दिया था जब एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे थे हम लोग, फिर भी अब हम डिटेल में चीजें करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, मैथमेटिकल वे में जाएंगे और कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। केवल हम यू नो थ्योरेटिकली नहीं, मैथमेटिकली बात करेंगे वैल्यूज निकाल करके। तो इसमें पहला लिखिएगा डेफिनेशन कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है। शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं बेटा, लास्ट टाइम बताया था मैंने, SCREENING, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखिएगा। In multi-electron atoms, there are a number of electrons. Some of them occupying the lower energy orbitals. Some of them occupying the lower energy orbitals. tend to reduce the effect of nuclear charge. The effect of nuclear charge. The effect of nuclear charge on the electrons. On the electrons. Present in higher energy orbitals. This effect is known as screening effect or shielding effect. लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब इसमें जो है बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर न्यूक्लियस है,
अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियस जो है एटॉमिक नंबर अगर एटम का जेड है तो न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, जेड ही, अपने को मालूम है ना। तो जब भी हम ऐसा न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो ई अगर नहीं भी लिखा है केवल जेड लिखा है तो भी हमको आइडिया दे रहा है कि जिसका जेड ज्यादा होगा वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज वाला होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमको कहीं पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और उस पे इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करना है तो सिंपली आप समझ सकते हो कि भाई ये डायरेक्टली फोर्स लगा रहा है। अब लेकिन क्या हुआ कि इसी न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट ना, यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप बोल रहे हो। तो अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, जितना न्यूक्लियर चार्ज पहले पहुंच रहा था या फील कर रहा था ये आउटर इलेक्ट्रॉन, क्या अब उतना फील कर पाएगा? नहीं, स्क्रीन हो गया ना, राइट, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया और इंटरेक्शन आ गए इसकी वजह से। तो अब मान लीजिए कि असली में जो चार्ज पहुंच रहा होगा, बताओ वो कम हो गया होगा कि बढ़ गया होगा? कम हो गया होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो फील करेगा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वो तो डेफिनेटली कम होगा ना स्क्रीन होने के बाद, स्क्रीन नाम ही इसलिए पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जो चार्ज लिखेंगे इस इलेक्ट्रॉन, याद रखना मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स भी क्या होगा, हर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जेड होगा, उसका अपना जेड होगा, वो न्यूक्लियस से कितना चार्ज फील कर रहा है वो उसका जेड होगा, इसीलिए हम जेड इफेक्टिव लिखते हैं इसको। And that Z effective will be Z, that is actual atomic number, minus something, और उस something को कहते हैं screening constant. क्या कहते हैं बेटा? Screening या फिर shielding constant. Screening और shielding constant. ठीक है, और ये जो screening या shielding constant है इसी को हम निकालेंगे with the help of Slater's rule. ठीक है, एक जेसी स्लेटर करके बंदा जिसने ये रूल्स दिए, सिंपल है, कोई खास बहुत ऐसा डिफिकल्टी वाला नहीं है, ठीक है। तो एक नोट लिखो, एक नोट लिखेगा, ड्यू टू स्क्रीनिंग, Due to screening, charge felt by the electron, is reduced as compared to without screening. Without screening, this reduced charge felt by this reduced charge felt by electron is known as effective nuclear charge. अब जैसे तुम लोग रिकॉल करो, मतलब एक आइडिया दे देते हैं, जैसे एनर्जी वाला फॉर्मूला याद है बोर साहब ने दिया था वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, क्या था? यही था। अब इसमें बिकॉज ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, स्क्रीनिंग तो कंसीडर की नहीं थी इसमें,
कोई था ही नहीं तो क्या कंसिडर करेंगे? तो अब क्या होगा अगर मैं मुझे इसको स्क्रीनिंग वाले के साथ लेना है, अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो क्या करोगे बेटा? इसको बस जेड इफेक्टिव कर दो। नहीं समझ में आया? इसी तरह समझ लो बोर उन्होंने जो साहब ने फॉर्मूला दिया था रेडियस का, है ना, तो क्या फॉर्मूला था बेटा? एन स्क्वायर बाय जेड था, है ना। अब इसको मान लो मेरे को मॉडिफाई करना तो क्या करोगे? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव। तो ये जानते हो अभी तुम्हें हेल्प करेगा ये सब, जब अभी कंपैरिजन करेंगे यू नो एटॉमिक रेडियाई का कंपैरिजन होगा, एटॉमिक साइज का, रेडियस का कंपैरिजन होगा, तो ये जेड इफेक्टिव बड़ा रोल प्ले करने वाला है, राइट ना। साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी एटम के लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इज माई पॉइंट क्लियर? चल तो ये सिंपल सी बात है। अब इसमें जो है जो फैक्टर्स हैं जिन जो शील्डिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हम फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं बेटा कि जो शील्डिंग है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे होंगे, जो कि ऑफ कोर्स नेचुरल है। मान लो कोई बाहर इलेक्ट्रॉन भी है, मान लीजिए बीच वाले किसी इलेक्ट्रॉन पे हमको स्क्रीनिंग चेक करनी है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर इलेक्ट्रॉन्स का कोई असर नहीं होगा। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज की इसमें जैसे मैं यहाँ पर अगर सब हेडिंग करके भी डाल दू, फैक्टर्स अफेक्टिंग शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा। तो एक फैक्टर मान लो इसमें क्या लिख रहे हैं बेटा कि द शील्डिंग बाय यू नो आउटर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी कंसीडर्ड, ऐसा करके लिख सकते हो, या शील्डिंग इज कॉज्ड यू नो बाय सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग विल नॉट बी कॉज्ड। लिख पाओगे ये चीज? यस सर। शील्डिंग इज कॉज्ड ओनली बाय सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कॉजिंग शील्डिंग। सेकेंड फैक्टर इसमें जो बात कर सकते हैं कि देखो ऐसा है कि कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है जिसपे आपको शील्डिंग चेक करनी है या जिसपे आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है और न्यूक्लियस यहां पर है और जो बीच के कई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पॉइंट ये कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा वो उसको ज्यादा यू नो सराउंड कर पाएगा। बात समझ में आई? जितना दूर हो जाएगा उतना उसका असर कम हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस गिव या कॉजेस मोर शील्डिंग। इज माई पॉइंट क्लियर? है ना। द इलेक्ट्रॉन विच इज क्लोजर टू न्यूक्लियस कॉजेज मोर शील्डिंग, इसी को कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर शील्डिंग कॉन्स्टेंट के पॉइंट से। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जो एनएस वाला होगा वो एनपी से ज्यादा अच्छी शील्डिंग करेगा, एनपी वाला एनडी से ज्यादा अच्छी शील्डिंग करेगा और एनडी वाला एनएफ से ज्यादा अच्छी शील्डिंग करेगा। ठीक है, ये पर इलेक्ट्रॉन बेसिस पे बात कर रहे हैं। पेनिट्रेशन पावर एनएस ग्रेटर देन एनपी ग्रेटर देन एनडी ग्रेटर देन एनएफ, एस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अच्छी शील्डिंग करते हैं
as compared to p electrons, as compared to d electrons, as compared to f electron. लिख लिया बेटा? Yes sir. ये पर इलेक्ट्रॉन बेसिस पे बात करते हैं हम लोग. ठीक है, अब स्लेटर्स रूल पे आ जाते हैं. ऑल्दो ये सब बातें हमने लिखी जरूर हैं, बट स्लेटर्स आपने जो है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है, कोई ऐसा परफेक्शन पे नहीं गए हैं वो. तो उन्होंने जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है, तो वो रूल, उनके रूल्स क्या हैं फाइंड करने के लिए जेड इफेक्टिव, वो हम लिखेंगे और हम उन्हीं पे डिपेंडेंट होकर के सारे काम करेंगे. ठीक है, तो आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा बड़ा, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट. यानी कि स्लेटर्स रूल. अब इसमें रूल नंबर वन लिखो बेटा, रूल नंबर वन. रूल नंबर वन में लिखिएगा कि द वेरियस ऑर्बिटल्स आर ग्रुप्ड, द वेरियस ऑर्बिटल्स आर ग्रुप्ड, द वेरियस ऑर्बिटल्स आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग मैनर. द वेरियस ऑर्बिटल्स आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग मैनर. फॉलोइंग मैनर का मतलब है कि हम जो है उसको ऐसे ग्रुपिंग कर देते हैं, 1s को एक साथ रख दिया, जैसे 2s 2p को एक साथ रख दिया हमने, ठीक है, फिर 3s 3p को एक साथ रख दिया हमने, ठीक है, इस तरह ग्रुपिंग कर दिया हमने, ये करते चले गए. ठीक है, लिख लिया बेटा? हाँ, अब इसमें रूल्स में रूल नंबर जो है टू लिखिएगा कि फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें सब रूल्स करके लिखो बेटा, हम पहले बात कर लेंगे एस एन पी की, फिर डी एंड एफ की बात करेंगे. ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, सब रूल्स करके लिखिए, पहला इसमें सब रूल में लिखिएगा कि नो कॉन्ट्रीब्यूशन From any electron, no contribution from any electron present in, no contribution from any electron present in groups of orbitals lying on the right side of the group. Lying on the right side of the group in which the electron is present. In which the electron is present. Clear? Second point likho beta isme. A contribution of
a contribution of 0.35. देखो वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको, हाँ, 0.35 फ्रॉम एवरी अदर इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम एवरी अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, इन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में लिख देना से एनएस एनपी अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंस, आप पहले रूल लिख लो, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है? आप रीड करते हुए पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, बस पूरा एक बार लिख लेते हैं फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूं। अंडर कंसिडरेशन, फिर आगे लिखो, इसी में एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, सबके लिए नहीं रहता है, इसको लिखो, बट इफ द इलेक्ट्रॉन फॉर विच, बट इफ द इलेक्ट्रॉन फॉर विच स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट इज टू बी कैलकुलेटेड बिलोंग्स टू 1s ऑर्बिटल, belongs to 1s orbital, then the contribution is 0.30. Then the contribution is 0.30. Sir, एक बार रिपीट करें। हाँ, मैं पूरा रूल एक बार बोल देता हूँ। A contribution of 0.35 from every other electron present in the groups of orbitals, say NSNP, under consideration, full stop. But if the electron for which the screening constant is to be calculated belongs to 1s orbital, then the contribution is 0.30. Likh liya? थर्ड पॉइंट लिखो इसे में, सब पॉइंट, अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.85 पर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रॉन्स विद क्वांटम नंबर n माइनस वन, विद क्वांटम नंबर n माइनस वन, That is electrons present in n minus one-th shell. How much is the contribution? 0.85. लिख लिया बड़ा सही सही? हाँ, अब fourth point लिखो बड़ा, fourth sub point लिखे बड़ा, All inner shells, starting from n minus 2, यानी कि n minus 2 वाले electrons, n minus 3 वाले electrons, जितने भी बचे हुए हैं, सारे के सारे, उनका contribution होता है 1, a contribution of 1 per electron, from all electrons present in n minus 2th and next inner shells. या आपने जैसा भी लिखा हो कि all inner shells electrons will contribute how much? 1 per electron starting from n minus 2. सामने लिख दिया मैंने, आप ध्यान से देख लो। तो जिस इलेक्ट्रॉन, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन 0.35 लेना है, फिर उसके एक नीचे जाना है n माइनस वनथ में, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर इलेक्ट्रॉन 0.85 का कंट्रीब्यूशन लिखना है, और फिर उसके अंदर उसके बाद अंदर की जितने भी शेल्स होंगे सबके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होगा।
आप मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करो, मेन चीज को समझने की कोशिश करो। मेन चीज क्या है, उसने आपको एस और पी ऑर्बिटल्स के लिए जब उसके लिए जब हमको कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट का, तो उसने चार चीजें बताई। उसने कहा कि ऐसा है, जब तुम जिस सब शेल में, जिसमें आप जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका स्क्रीन कॉन्स्टेंट निकालना है, जिसके लिए उसमें बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35 लेना है, दैट्स इट, एक हो गया, खत्म हो गया, अब उस पॉइंट को बंद कर दो। फिर दूसरा कह रहा है 0.3 तो स्पेशल केस है, उसको हटा दो। फिर दूसरा चीज बोल रहा है कि उसके नीचे वाले शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.85 होगा पर इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, हो गया, वो भी पॉइंट खत्म हो गया, अगले में आए। फिर कह रहा है उसके आगे के जितने इनर शेल्स होंगे सब पे वन पर इलेक्ट्रॉन वन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है। तुम स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट निकालने मत जाओ, तुम पॉइंट को केवल देखो। मैंने आपको अभी स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट निकालना नहीं सिखाया है, मैं तो खाली ये बोल रहा हूँ कि जैसे बेंच में तुम लोग बैठे हुए, मैं कह रहा हूँ कि पहली बेंच वाले जो है वो सारे बच्चे जो है वो मेरे को 0.35 पैसे दे दें, फिर उसके नीचे पीछे वाली बेंच के सारे बच्चे मुझे 0.85 पैसे दे दें, फिर उसके पीछे वाले सारे बेंच के बच्चे मुझे 1111 दे दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को समझने में। क्लियर है कि नहीं? अभी मैंने तुम्हें स्क्रीन कॉन्स्टेंट निकालना नहीं सिखाया, मैं तो खाली रूल बता रहा हूँ कि क्या तुमने रूल सही सही लिख लिया है कि नहीं। रूल लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी तुमने, कोई कंट्रीब्यूशन का वैल्यू तो नहीं गलत लिख दिया है। इज दिस क्लियर? यस। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज डी और एफ वाला। यस सर। अब इसके बाद इसमें जो है लिखो बेटा नेक्स्ट, यानी थर्ड पॉइंट होगा ये, फॉर एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन, और एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन। इसमें लिखिएगा बेटा, इसमें सब पॉइंट करके लिखेंगे हम। इसमें लिखिएगा इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट ऑफ एनडी और एनएफ डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। Electrons to the right of ND or NF do not contribute in finding sigma, that is screening constant. हो गया? Next लिखो बेटा sub point. All other electrons of ND or NF contribute. Or all other electrons of ND or NF contribute 0.35 per electron. Yes. तुम्हें लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी होगी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एग्जाम्पल लेते ही तुम समझ जाओगे सब कुछ। अब क्या है, मैं पूरा सारे रूल्स एक साथ लिखाना चाहता हूँ, मैं बीच में एग्जाम्पल लाल की जबरदस्ती का कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। एक बार रूल लिख जाते हैं, एक टेबल बना लेंगे तो तुमको समझने में भी आसानी होगी, फटाफट टेबल देख के वैल्यू लिख देंगे हम लोग वहां पर। 0.35 पर इलेक्ट्रॉन लिख लिया इतना। फिर आगे लिखिएगा नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट है ऑल इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट वन। और याद रखना जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूं वो पर इलेक्ट्रॉन है। अब ये ज्यादा आसान हो गया, क्यों ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि इसमें कोई और टेंशन ही नहीं है, ये कह रहा है कि या तो 0.35 या 111 ले लो। ठीक है, अब आप देखो मैं आपके लिए आसान कर देता हूं चीजें, एक छोटी सी इस तरह की टेबल बना लो। ठीक है, ऐसा एक टेबल बना लो और यहां पर लिख लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट, वो हो सकता है एस में प्रेजेंट हो या पी में प्रेजेंट हो या फिर क्या हो सकता है डी और एफ में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, तो यहां पर लिख दो सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन ऑफ शेल। तो यहां पर आप ऐसा दिखा सकते हो कि अगर मान लीजिए एंथ शेल है, ठीक है, तो 0.35 है, इधर भी 0.35 था,
आप डीएफ के लिए निकालो या फिर एसपी के लिए निकालो। लेकिन फिर क्या हुआ, एन माइनस वन वाले में जब आए तो ये तो 0.85 कंट्रीब्यूशन कह रहा है, इसने कितना कह दिया, बात समझ में आई वन। फिर एन माइनस टू के बारे में गए, एन माइनस थ्री में गए, एन माइनस फोर में गए, सब में कितना ले लेंगे बेटा, वन। ये देखो जो आपने इतने सारे रूल्स लिखे वो मैंने सामने टेबल दिखा दिया आपको, आसान हो गया। अब हम बार बार टेबल देखेंगे, हम रूल्स थोड़ी ना पढ़ेंगे। हो गया बेटा, वो एन होगा और उसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे। हो गया बेटा, चल अब ध्यान से देखो बेटा, एग्जांपल लेते हैं, अब तुमको सब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ठीक, इसके लिए जेड कितना होता है बेटा, एक्चुअल वन होता है, ठीक। अब यहां पर क्या कोई स्क्रीनिंग हो रही है, नहीं। अरे भाई न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस पर स्क्रीन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। यानी कि इनके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना हुआ, जीरो। इसके लिए बेसिकली तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा मतलब कितना हुआ, वन। यानी जेड इफेक्टिव जेड एक्चुअल बराबर हो गए। इज दिस पॉइंट क्लियर। अब सारे केसेस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले, ऑल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, चाहे आप एच ई प्लस ले लो, चाहे आप एल ए प्लस प्लस ले लो, चाहे आप बी यू नो प्लस 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 ले लो, सब में एक इलेक्ट्रॉन है। यानी इन सब के लिए जेड इफेक्टिव और जेड एक्चुअल क्या होंगे, सेम होंगे। क्या बात समझ में आई। लेकिन जैसे ही तुमने हीलियम लिया, हीलियम प्लस नहीं, माइंडेड हीलियम लिया, ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, अब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन में आ गया, ठीक। अब तुम इसके बारे में जब लिखोगे तो 1s2 है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन तो तुम जिसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो वही, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन जिस पे आप स्लेटर्स रूल लगा रहे हो तो वही है, उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, वन बच गया। तो हमारे लिए सिग्मा क्या हो जाएगा, 0.35 होना चाहिए था। लेकिन 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 1s के लिए एक स्पेशल रूल है, रूल पढ़ो, 0.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 0
पी वाले में रूल्स लिखे हुए हैं, ये एक स्पेशल 0.30 वाला रूल है जो कहां एप्लीकेबल हो गया, हीलियम में। तो यहां का जेड इफेक्टिव कितना हो गया, जेड एक्चुअल कितना है हीलियम का, 0.2 होता है ना। समझ गए बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जैसे मुझे मान लीजिए कि अब लेटर से थोड़ा बड़ा केस ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने कार्बन चूज किया, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कार्बन चूज किया तो कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1s। अच्छा एक और बात, ग्रुपिंग परफेक्ट होनी चाहिए। वो कह रहा है ग्रुपिंग कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब का नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आपस में बातचीत मत करो, मैं कह रहा हूं
कि ग्रुपिंग जो वो कह रहा स्लेटर्स रूल में उसको ग्रुपिंग करनी है, 1s तुमने एक साथ रखा भर दिए इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s 2p एक साथ रखा इलेक्ट्रॉन्स भर दो, कितने कितने आएंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 6, कितना लिख दें, क्लियर है। अब इसके लिए तुम्हें स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए उस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा इस सेकंड शेल में, ये ये तुम्हारे लिए एन हो गया, ये तुम्हारे लिए एन माइनस वन हो गया। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ रही होगी बात कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 0.35 प्लस बचे हुए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एन माइनस वन को बिलोंग कर रहे हैं, और एन माइनस वन का कंट्रीब्यूशन कितना लिया है 0.85, समझ में आई बात, ये वैल्यू कितनी आती है 2.75 करके देख लेना बेटा। तो Z इफेक्टिव इसका कितना आ जाएगा 6 − 2.75, क्या समझ में आई बात, 3.25। मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को निकालना आ गया होगा, कोई डिफिकल्टी राइट, इसको नोट कर लिया। कॉपी कर लिया, हटा दें इसको, गाइस लेट अस से मुझे क्रोमियम के लिए जो है शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के बाद जेड इफेक्टिव निकालना है, तो क्या करें, तो सबसे पहले क्रोमियम का क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 24, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s फिल करते हैं, लेकिन लिखते समय उसको पहले 3d लिखेंगे, तो 3d ये
स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4S1, ठीक है। अब स्लेटर रूल के हिसाब से ग्रुपिंग कर लेते हैं, है ना। तो 1S वाला एक और 2S2P एक में जाएगा, फिर 3S3P एक ग्रुप में जाएगा, और 3D बिकॉज D को अलग रखते हैं, D एंड F को, और NS NP एक साथ रखते हैं, और 4S एक में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है फाइंड आउट करने के लिए क्रोमियम में दो हैं, एक तो आप 4s इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल सकते हैं, है ना, 4s इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल सकते हैं, या 3d के लिए निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों के लिए निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 4s के लिए निकालना है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। अब अगर आप 4s के लिए निकाल रहे होगे, तो अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसके अलावा तो कोई इलेक्ट्रॉन और बचा नहीं है। तो यानी जो तुम्हारा nth शेल था वो तो 4 था, और उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन और बचा नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0 × 0.35, और तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं जो इसके लिए स्क्रीन का काम करे। अब इसके अलावा तुम्हारे पास n-1 है, वो क्या है, वो थर्ड है। थर्ड शेल कहाँ है, वो यहाँ पर है। यानी आपको ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करने पड़ेंगे। कितने हैं ये, ये हैं तुम्हारे पास 6 2 8 8 प्लस 5, यानी 13। तो ये हो जाएगा 13 × और यहाँ पर लिख देंगे 0.85, ये हो गया। इसके अलावा फिर n-2 क्या हो जाएगा, n-2 तुम्हारा हो जाएगा n तुम्हारा यहाँ 4 था तो ये 2 हो गया। एंड अच्छा, इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे वाले जितने भी होंगे उन सब का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, बड़ा 1। तो यानी इन सब का कंट्रीब्यूशन वैसे भी 1 लेने वाले, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 और 10, तो ये हो जाएगा 10 × 1। तो ये 13 × 0.85, ये है 11.05। अब जो सिग्मा होगा वो इनके एडिशन से आएगा, तो ये तो जीरो हो गया, 11.05 + 10, दैट इज 21.05। तो जेड इफेक्टिव जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन फील करेगा वो होगा 24 − 21.05, दैट इज 2.95। आप इसको ऐसा समझो कि जो ये 4s का ये जो इलेक्ट्रॉन है उस तक ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है जो 24 जो है × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब है, वो इफेक्टिवली कितना पहुंच रहा है, 2.95 × 1.6 × 10⁻¹⁹। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये जेड इफेक्टिव 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है। अब देखिए s और p के लिए तो हम पहले भी कर चुके हैं, अब d के लिए जरा करते हैं यहाँ पर। तो D के लिए जब अगर आप इधर ट्राई करोगे, D के लिए जब आप देखोगे, तो यहाँ D के लिए जब हम करेंगे तो हमारे लिए बस D के कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ बच गए जिनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी वाले को छोड़ करके, डीएफ की बात यही होती है कि डी और एफ को छोड़ करके जितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जितने भी उसके लेफ्ट में, सबका कंट्रीब्यूशन कितना लेना है, 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो आप काउंट कर लो, 6 + 2 8 8 6 14 16 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा होगा that will be 4 × 0.35 + 18 and that comes 19.4। और अगर इसका z effective निकालोगे तो ये आता है 24 − 19.4, that comes as 4.6। तो इसका मतलब है कि जब आप न्यूक्लियस के नजदीक जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा। आप इसके आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी इसी तरह से सिग्मा निकाल सकते हैं और जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता चला। अब देखो जिंक के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर जिंक का ले लेते हैं। जिंक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, पहले 30 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और फिर यहाँ लिख देंगे 3d10 और 4s2। चलो इस बार d के लिए ही निकालते हैं। तो सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं भाई, यहाँ पर 1s को और ये जो 2s और 2p एक साथ, 3s 3p एक साथ, 3d अकेला कर देंगे, और फिर 4s वाला,
ठीक है, 4p तो अभी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जब हम यहां पर आएंगे, ठीक है ना। पहले वाले केस में भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा स्क्रीनिंग के लिए, है ना। तो राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये हमने रूल में लिखा हुआ। अब ये जो 3d है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे 9 हो गए ना, वो 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन 0.35। और जो इसके लेफ्ट में जितने भी होंगे इस 3d के सारे 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। और कितने ऐसे यहाँ पर 18 है, तो 18 × 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा बेटा, इसका हो जाएगा 18 × 1 + 9 × 0.35, ठीक है। ये आता है 21.15। ये कितना आता है 21.15। अब ये आ गया, अब इसका आप जेड इफेक्टिव निकाल लो। जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा बड़ा, 30 − 21.15, ये हो जाता है 8.85। गाइस, एक क्विकली मैं आपको पूरा एक बार और समझा देता कि शील्डिंग इफेक्ट पहली चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट जो है बिकॉज जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो उतना न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं कर पाते जितना न्यूक्लियर पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग कॉज्ड बाय इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम वो चार्ज कैसे पता करें जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने स्लेटर्स रूल की बात की। स्लेटर्स रूल में पहली चीज वो कहता है कि जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने रूल से लिखे होंगे, हॉफर प्रिंसिपल से लिखा होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से लिखा होगा, हॉर्न्स रूल से लिखा होगा, इट्स ओके, लिख लिया। उसके बाद उनको ग्रुपिंग कैसे करनी है, उनके ऑर्बिटल्स को ऐसे ग्रुप कर दो, 1s को एक साथ रख दिया, 2s 2p को एक साथ रख दिया, 3s 3p को एक साथ रख दिया, फिर 3d को एक साथ रख दिया, फिर 3d तुमने लिख लिया, फिर 4s 4p लिख दिया एक साथ, ठीक है, फिर 4s 4p हो गया, फिर 4d लिख दिया आपने, फिर यहां पर 4f लिख दिया, ठीक है, फिर 5s 5p लिख दिया। इस तरह करके आप पूरा ये ग्रुपिंग कर लें। जब ग्रुपिंग हो गई फिर वो कह रहा है कि सबसे पहले ये चेक कर लो कि तुमको s और p इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीन कांस्टेंट निकालना है या d और f इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है। अगर बाय चांस आपको s और p ऑर्बिटल के लिए स्क्रीनिंग निकालनी है स्क्रीन कांस्टेंट, तो आप सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो जिसके लिए आपको निकालना है, और उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स nth शेल में बचते हैं, nth वाले के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था बेटा, 0.35, ठीक है। फिर n-1 वालों का कितना कंट्रीब्यूशन था पर इलेक्ट्रॉन, 0.85। बाकी सबका कंट्रीब्यूशन कितना था, 1। ये किसके लिए बेटा, s और p के लिए, जब स्क्रीन कांस्टेंट निकाल रहे हो और वो भी पर इलेक्ट्रॉन। फिर हम इसी तरह से क्या करते थे बेटा, d and f के लिए कह रहा सब कुछ सेम है, सारा ग्रुपिंग वगैरह सब वही वैसा ही करो, केवल आपको करना क्या है nth वाला यानी जिसके लिए निकाल रहे उसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 0.35 लेना है, और रेस्ट के लिए कितना ले लेना है, 1। क्या सबको समझ में आ गई चीजें, ठीक है। ये हमने मोटा मोटा इतना डिस्कशन अभी तक कर लिया है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं आएगी। गाइस, लेट मी टेक वन एग्जांपल जिससे आपको स्लेटर रूल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन Fe ले लेते हैं ना। इस अब Fe में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो उसके हैं टूवर्ड्स हम मूव करेंगे न्यूक्लियस और देखेंगे जेड इफेक्टिव कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने सीख रखा है। आप स्लेटर्स रूल्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप पहले ग्रुपिंग कर लो। तो भाई फर्स्ट यहाँ 1s तो एक साथ होगा, 2s 2p एक साथ होगा, 3s 3p एक साथ होगा, 3d सेपरेट होगा, 4s 4p तो मतलब ही नहीं है, उसको नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके करते हैं। एक एक करने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि चलो सबसे पहले 4s इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करते हैं जेड इफेक्टिव आयरन के केस में कितना है 4s इलेक्ट्रॉन। अब ये 4s जो है वो s और p वाले रूल्स में आ गया है ना, s और p। तो उस रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो इलेक्ट्रॉन्स में, एक इलेक्ट्रॉन पे तो आप इफेक्ट चेक कर रहे हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट चेक कर रहे हो, तो कितना बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यहां से हमको 1 × 0.35 मिलेगा। अब यहाँ पर जो जो n है वो 4 हो गया, तो n माइनस 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता था बेटा 0.85। n माइनस 1 कितने होगा यहाँ पर 3। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स n माइनस 1 वाले हैं, 3 3 3 दिख रहा है ना, ये सब का सब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना देंगे बेटा 0.85। तो हम लोग इसके लिए क्या लिख देंगे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6 6 12 2 14। तो ये हो जाएगा 14 × 0.85। एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स n माइनस 1 वाला हो गया, अब n माइनस जो 2 हो गया या n माइनस 3 हो गया, यानी इनर शेल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका कंट्रीब्यूशन कितना ले लेंगे, सबका कंट्रीब्यूशन रेस्ट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तुम्हारा 1 का। कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10, तो ये 10 × 1 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो हमको सिग्मा मिल जाएगा टोटल, ठीक है, स्क्रीनिंग जो ये इलेक्ट्रॉन फेस कर रहा है, ठीक है। तो 14 × 0.85 होता है 11.9। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 22.25 आता है, ठीक। तो अगर मैं इसके लिए जेड इफेक्टिव बोला हूं, जेड इफेक्टिव जो 4s का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हो जाएगा 26 − 22.25, तो ये आता है 3.75, ठीक है 3.75। अब इसी Fe में देखते हैं 3D इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव कैसे है और कितना है, ठीक है। चलो देखो, अब फिर से एक बार हम इसी का Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं। 26 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, ये हो गया। ग्रुपिंग कर लेते हैं, है ना, सबसे पहले ग्रुपिंग करनी जरूरी है रूल्स के हिसाब से। तो हमने ये ग्रुपिंग कर ली। अब देखो, हमको मैंने जैसे बोला कि हमें निकालना है 3D के लिए, बी केयरफुल नाउ। अब 3D निकालोगे तो जो 4s है वो कंट्रीब्यूट कितना करेगा, जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड में स्लेटर रूल यही कहता है कि राइट के इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। और डी और एफ के लिए खास रूल है और आसान है, वो क्या है कि खाली आप उस ग्रुप का जो डी का इलेक्ट्रॉन है एफ का, उसको काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे तो आप इफेक्ट ही चेक करो तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो 5 × 0.35 कर दो। और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, इससे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे यहाँ पर आपको ये सारे दिखा रहे हैं कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1। तो ये हो जाएगा 18 × 1, ठीक है 18 × 1। ये 5 × 0.35 भी होता है 1.75, ये सिग्मा निकालोगे तो ये आएगा 19.75। इसका मतलब है कि ये जो डी इलेक्ट्रॉन है, 3D इलेक्ट्रॉन है, इस पे जेड इफेक्टिव बनेगा 26 − 19.75, जो कि आता है 6.25। अब कंपेयर कर लो, देखो 3.75 था, अभी कितना हो गया 6.25, यानी न्यूक्लियस के नजदीक जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑफ कोर्स जो 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 राइट वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव अपने आप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट पहले देखो ज्यादा था, अभी स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कम हो गया, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, 3P के लिए इसी आयरन का निकाल ले, इसी आयरन में निकाल ले, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। आप देखो, हमने जो है SP वाले केस भी लिया और D वाला भी ले लिया। चलो Fe लेते हैं, फिर से लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ पर 3d6, 4s1। ग्रुपिंग कर लो, एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या बोला, कहाँ कहाँ हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 3p के लिए, कहाँ के लिए निकाल रहे हैं 3p के लिए। तो हमारे लिए ये सारे क्या हो जाएंगे, जो राइट में आपने ग्रुप्स लगा रखे हैं उनका जीरो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, उनको हम नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमें जो ये p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है,
अब सिक्स इलेक्ट्रॉन से एक में तो आप निकाल ही रहे, एक इलेक्ट्रॉन पे तो कितने बचे, फाइव। लेकिन याद रखना इस ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको लेना पड़ेगा, तब आप 0.35 कंसीडर करोगे। तो कितने भाई, तो सिक्स तो फाइव यहाँ पी वाले हो गए और टू ये हो गया, तो सेवन, यानी सेवन इंटू 0.35। ध्यान रखना भले सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे तो आप निकाल ही रहे हो जेड इफेक्टिव, पांच इसके बच गए, फाइव इसके बच गए, टू इसके बच गए, तो सेवन, सेवन इंटू एक ग्रुप जो पूरा है उसका 0.35 कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर n तुम्हारे लिए 3 है तो n माइनस 1 अब क्या होगा, 2 होगा, यानी कि ये जो सेट होगा ये तुम्हारे लिए अगला हो जाएगा n माइनस 1। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 8 हैं, तो आप 8 इंटू 0.85 लिखोगे। और फिर अगला क्या हो जाएगा, बाकी जितने भी बच जाते हैं, अभी दो ही बच रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते, 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, ये आपका जो एडिशन है वो होगा तुम्हारा सिग्मा, तो ये आ जाता है 6.8 और ये आ जाता है 2.45। तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो सिग्मा की वैल्यू आ जाती 11.25 आती। तो जेड इफेक्टिव हम लोग निकाल रहे हैं, किसका जेड इफेक्टिव मैंने यहाँ पर बताया बड़ा आपको, जेड इफेक्टिव मैंने आपको इस 3 पे बताया, कितना आएगा ये आएगा 26 माइनस 11.25, ये आ जाएगा 14.75। जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं, देखो 6.25 पहले 3.75 था, अब देखो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर गया। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज और इसमें नोट करो, अगर यही चीज आपसे पूछी गई होती, यही चीज आपसे पूछी गई होती किसके लिए बेटा, इस 3s के लिए, अगर ये 3s के लिए पूछा गया होता, ये 3s के लिए पूछा गया होता तो सेम आंसर आता। सोचो कैसे सेम आंसर क्यों आता, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप 3s के लिए निकाल रहे हो या 3p के लिए, बिकॉज ये एक ही ग्रुप में है, आप स्लेटर रूल की जो ग्रुपिंग है उसमें एक ही ग्रुप में है, और एक ही ग्रुप में वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 0.35 के रहने वाला है। तो यहाँ पर आप जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए निकालेंगे जेड इफेक्ट, तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और 3p के 6, यानी फिर से 7 हो जाएगा, यानी 3s के लिए भी हमारे पास जेड इफेक्टिव 14.75 हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्लेटर रूल्स कोई बहुत परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि सेम जो शेल होगा उसमें ns का जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो np से ज्यादा होता है np का। तो अब अगर इस लेटर रूल के हिसाब से जाते हैं तो उसने सेम कंसीडर कर लिया है। तो मैथमेटिकली हम इसकी हेल्प लेते हैं प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए, और ये परफेक्ट नहीं, ये परफेक्ट नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, और आपको ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट और जेड इफेक्टिव निकालना जो है वो अच्छे से आ गया होगा। गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो जेड इफेक्टिव निकाला है या जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाला है वो हमने जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है एटम में उसके लिए निकाल रहा, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग, अब हम लिखेंगे इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द पेरिफेरी ऑफ एन एटम और आयन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द पेरिफेरी ऑफ एन एटम और आयन, इसका क्या मतलब है। तो देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो पेरिफेरी ऑफ एटम या आयन लेंगे, तो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द यू नो स्क्रीनिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटम और आयन, सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग कंसिडर करेंगे हम, ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल में इसको ले लेते हैं, मान लीजिए कि मुझे नाइट्रोजन लेना है, ठीक है ना, नाइट्रोजन के लिए मुझे यू नो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, बट पेरिफेरी पे निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p 2 हो जाएगा, 2p 3 हो जाएगा, है ना। अब जरा ग्रुपिंग कर दो उसकी,
ये ऐसे ग्रुपिंग कर दिए हमने, ठीक है, स्लेटर रूल के हिसाब से। अब पेरिफेरी पे निकालने का मतलब है कि आप एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर लो, इमेजिन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां पर, इन द लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल, इसमें जैसे 2p में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप इमेजिन कर लो, तो समझ लो कि वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता, तो अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स 2p3 तो रहेंगे, 2s वाला भी हम कंसिडर करते हैं बिकॉज सेम में उसमें, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा 5, यानी पांचों इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग हम कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 0.35। और जो ये बच गया है, ये बेसिकली अगर हमारे लिए n है तो n माइनस 1 में कितना होता है 0.85 होता है, तो 2 × 0.85, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो बस इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपको सिग्मा दे देगा, सिग्मा यहाँ पर आ जाता है 3.45, इसको ऐड करेंगे तो 3.45 आएगा, तो z इफेक्टिव अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 7 − 3.45, दैट इज 3.55, ये z इफेक्टिव है एट द पेरिफेरी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, मेरी गल से ये भी समझ में आया होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर के लिए, ले लेते हैं कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर में एक काम करते हैं, z इफेक्टिव निकालते हैं, z इफेक्टिव हम लोग इसके लिए निकालते हैं 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 4s इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्लैरिटी के लिए, है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और पेरिफेरी पे निकालते हैं, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं इसको, कैलकुलेट z इफेक्टिव फॉर 3d इलेक्ट्रॉन, 4s इलेक्ट्रॉन एंड एट द पेरिफेरी ऑफ अ कॉपर एटम, ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले हमें लिखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो लिख देते 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब यहाँ 3d10 4s1, याद है ना, स्पेशल एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं, देखो 1s को एक साथ रखेंगे, फिर 2s 2p रखेंगे, फिर 3s 3p रखेंगे, फिर 3d रखेंगे और फिर 4s वाला अलग करेंगे। तो एक एक काम करते हैं, सबसे पहले जैसे उसने मान लीजिए कह दिया है, उसने कह दिया है कि आप 3d का पहले निकालो, तो 3d का निकाल लेंगे, तो जैसे ही तुम 3d के बारे में सोचोगे तो तुम किसका कॉन्ट्रीब्यूशन हटा दोगे बेटा, इसका कंसिडर ही नहीं करोगे उसको। अब 3d 10 यहाँ पर, यानी 10th इलेक्ट्रॉन पे तो निकाल रहे हो, बचा कितना 9 × 0.35 कर दोगे, और 3d के जो लेफ्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, वो सारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18 × 1 कर दोगे, राइट ना। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा जेड इफेक्टिव फॉर 3d इज इक्वल टू 29 माइनस ये हो जाएगा 9 × 0.35 प्लस 18 × 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.85 निकल कर आता है, ये 3d के लिए हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे यहीं पर 4s के लिए निकालना होता, तो 4s के लिए जब निकाल रहे हो तो 4s के लिए निकाल रहे हो तो अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा तो बचा नहीं, ठीक है ना, तो यानी 0 × 0.35 हो जाएगा। अब 4 अगर n इज इक्वल टू 4 है तो n माइनस 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा है ये हमारे लिए n माइनस 1 होगा, कितने हो गए, तो ये हो गया 6 + 2 = 8 और 10 18 हो गया, तो ये 18 × 0.85 वाला केस हो जाएगा। और जो बच गए सब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 1 का, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 × 1 हो जाएगा, राइट ना। तो ये आपका जो है वो सिग्मा दे देगा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हो जाएगा 29 माइनस, अब ये तो 0 × 0.35 लिख देते हैं आपके लिए, प्लस 18 × 0.85 और ये हो जाएगा 10 × 1। अब इसको निकालेंगे तो ये जेड इफेक्टिव यहाँ पर निकल कर आता है 3.7 निकल कर आता है
3.7 निकल कर आता है। तो देखो 4S के लिए भी निकाल लिया है ना, 3D के लिए भी निकाल लिया। अब जरा पेरीफेरी पे निकाल कर देखते हैं। तो अब जब तुम पेरीफेरी पे निकालने के बारे में सोचोगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इमेजिन करना पड़ेगा। कहाँ इमेजिन करोगे बेटा? यहां पर इमेजिन करो, यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इमेजिन करोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन वहां पर एक्स्ट्रा मान लिया, तो उसके अलावा ये 4s1 वाला एक तो बचेगा ही बचेगा। तो अब वो बिकॉज एक तो पहली बात है कि 4s में इलेक्ट्रॉन है, राइट ना, 4s और p वाले रूल्स लग जाएंगे, राइट ना। तो उसमें इस जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 0.35। तो मैं सिग्मा के लिए सारे टर्म्स लिख रहा हूँ, हाँ, सो 1 × 0.35। अब अगर n की वैल्यू तुमने 4 ले ली है तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो अब फिर से वही चीज हो गई, ये पूरा का पूरा एक ही लॉट हो गया, तो हमारा ये हो जाएगा 18 × 0.85 हो जाएगा, 18 × 0.85 हो जाएगा। और उसके अलावा जो बच गया वो 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी पहले वाले केस में, यानी 4s वाले केस में देखा जब ना पेरीफेरी वाले में, तो वो यहाँ पर 0 था और ये यहाँ 1 × 0.35 हो गया। बस इतना सा डिफरेंस आ रहा और कोई खास वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए जब जेड इफेक्टिव लिखोगे, यानी ये जेड इफेक्टिव पेरीफेरी के लिए, तो क्या हो जाएगा? 29 माइनस ये सारा आपको ऐड कर देना है, ये सारी क्वांटिटी यहाँ पर डाल देंगे। तो अब इसका वैल्यू आता है 3.35। मेरी ख्याल से तुम्हें अब जो है स्लेटर रूल्स के बेसिस पे जो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट है वो निकालना आता है और जेड इफेक्टिव भी निकालना आता है। तो ये केस एक हमने पेरीफेरी वाला भी कंसिडर किया, अब इसके एप्लीकेशंस भी लेंगे। उससे पहले चलो एक काम आप मेरे को करके ऐसा दिखाओ बेटा कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स और ग्रुप्स में ब्रेक करूं, तो इन अ पीरियड मैं एक टेबल बना रहा हूं, उसको आपको फिल करना है। यहाँ Z लिख देते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें निकालना है वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसको डिवाइड कर देते हैं जो तुमको आसानी होगी करने में। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट शेल, यहां लिख देते हैं सेकंड शेल, यहां लिख देते हैं टोटल सिग्मा, ठीक है, और यहां लिख देते हैं जेड इफेक्टिव, दैट इज जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। समझ गए बेटा? अब जरा इसको भर दो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पेरिफेरी नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो इस एटम का हो। I'm going to go to the next one.
चलो मैं करना शुरू करता हूँ। देखो तुम लोगों ने यही किया है कि नहीं। देखो यही आया लिथियम के लिए। अब इसमें 1 × 0.35 भी आएगा तो ये बन जाएगा 2.05। तो यहाँ पर लिख देंगे 1.95। फिर इसी तरह से यहाँ पर 2 × 0.35 आएगा तो ये बन जाएगा 2.40। तो इधर 2.40 बिकॉज 5 − 2.40 लिखना है तो ये हो जाएगा 2.60। करेक्ट है। फिर इसमें कितना आ जाएगा बेटा 3 × 0.35, 4 × 0.35, 5 × 0.35, 6 × 0.35 और 7 × 0.35 आएगा। राइट। तो ये इसके लिए हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक और मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर वैल्यू जो आती है कितनी आती है बेटा? 2.75। फिर ये 3.45। मैच करा लो मेरे ख्याल से यही है। थ्री इधर जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3.25, 3.90, 4.55, 5.20, 5.85, राइट। अब इसकी खास बात देखो, ऑब्जर्व करो इसको। एक खास वेरिएशन तुमको दिखाई देगा। कैसा वेरिएशन दिखाई देगा? यहां से यहां में देखो कितने का चेंज हो रहा है। यहां से यहां कितना चेंज हुआ? यहां से यहां कितना चेंज हुआ? 0.65। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर तुम पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में देखोगे और तुम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारे जो कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं उनमें 0.65 Z इफेक्टिव बढ़ जाता है पर एलिमेंट। राइट ना, लेफ्ट टू राइट इसको हाईलाइट कर लेंगे। लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है कितने से? 0.65 पर एलिमेंट। ठीक है, डी एंड एफ के लिए वैल्यू डिफर हो सकती है, बट ये हमने किसके लिए निकाल लिया बेटा? जो हमारे एस और पी जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए। हटा दें इसको। yes. है ना। अभी देखो एक और, मैं इस बार तुमको करने को नहीं दूंगा, मैं खुद ही करके दिखाता हूँ और फिर
फटाफट उसके एप्लीकेशन दिखा देते हैं। अगर मुझे इन अ ग्रुप लिखना हो, इन अ ग्रुप लिखना हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग सेम टेबल उसी तरह से बनाएंगे। मेरे साथ साथ तुम लोग टेबल बनाते जाओ बेटा। एलिमेंट इस बार लिख लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब यहाँ लिख देंगे जेड, यहाँ जेड लिख देंगे 3, 11, 19, 37, 55, 87। यहाँ पर पीरियड लिख देते हैं एन, दैट इज सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। अब जो बिकॉज हमको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं उसी स्टाइल से करेंगे बेटा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ले लेते हैं तो एन माइनस वन का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रख देंगे, ठीक है ना सबका। तो यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा, 2 × 0.85, राइट, तो ये करीब 1.7 के आसपास आता है मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, और फिर यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेरे ख्याल से 8 × 0.85, राइट, 6.8 हो जाता है। इसी तरह जब करेंगे सबके लिए तो ये तुम्हारा 6.8 यहाँ पर भी आएगा, ये सब 8 × 0.85 वाला आएगा, 6.8 वाला आएगा, 6.8 वाला आएगा, 6.8 वाला आएगा। देखो सारा मैच कर गया, नहीं ज्यादा तो नहीं लिख दिया मैंने, ये हो गया। अब इसी तरह से मुझे n माइनस टू के लिए लिखना है, मान लीजिए n माइनस टू के लिए, तो इधर तो कुछ होगा नहीं, चाहे आप इस तरह कितना भी करते जाओ, n माइनस फोर लिख लो, n माइनस फाइव लिख लो, n माइनस सिक्स लिख लो, क्योंकि ये सारी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको सेवंथ पीरियड तक जाना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये सीधे सीधे अगर मैं इसका सिग्मा टोटल लिखूंगा तो ये 1.7 ही आएगा, ठीक है, जबकि दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, एन माइनस टू वाले में, बिकॉज अब कॉन्ट्रीब्यूशन वन हो जाता है ना, तो सीधे सीधे जो इलेक्ट्रॉन है बस वही लिख दोगे, उतना काफी हो जाएगा। क्या बात समझ में आई बेटा? Yes, फिर इधर वाले में तो ये खत्म हो गया सारा, अब इधर वाले में आएंगे तो फिर टू, ठीक है, फिर 18, 18, 18, फिर इधर खत्म हो गया, फिर इधर लिख देंगे टू, और यहाँ आ जाएगा 8, 18, फिर इधर जो है मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा, है ना, इधर खत्म होगा 8, 2। क्या बात समझ में आई? ये अगर कैलकुलेट करोगे तो 8.8 यहाँ पर आता है, फिर इसके बाद 16.8 आता है, फिर 34.8 आता है, फिर 52.8 आता है, फिर 84.8 आता है। ये तुम बाद में कैलकुलेट कर लो, मैंने सही से पहले से ही लिख दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जब तुम जेड इफेक्टिव निकालोगे, जब तुम जेड इफेक्टिव निकालोगे, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, जेड इफेक्टिव 1.3 है, फिर 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, इसका मतलब क्या है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इस बार वेरिएशन क्या हुआ जेड इफेक्टिव का, कांस्टेंट, देख पा रहे हो? Yes. यानी कि जब हम लोग प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे डाउन द ग्रुप तो क्या जेड इफेक्टिव कोई रोल प्ले करेगा? नो। यही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि वाइल गोइंग, वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, जेड इफेक्टिव प्लेज अ रोल इन डिसाइडिंग प्रॉपर्टीज, वाइल गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, That Z effective does not play any role. इसलिए shell number से हम चीजें निकालेंगे rather than, समझ गए? Because ये repeat कर देता हूं मैं, Z effective जो है constant आ रहा है, यानी कि Z effective से answers नहीं निकलेंगे,
जेड इफेक्ट तो कांस्टेंट हो गया ना, वो कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहा, उसके हिसाब से तो चीजें वेरी नहीं होनी चाहिए, चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, साइज बदलना नहीं चाहिए, लेकिन साइज तो बदलता है ऊपर से नीचे जाने पे, एटम जो है बड़े साइज का हो जाता है, तो वहां पर जेड इफेक्टिव से आंसर नहीं निकाला जाएगा, ऐसा कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम। हो गया बेटा, शुड आई रिमूव दिस? देखो अब इसके एप्लीकेशन जो है, अगर शॉर्ट में मैं तुम्हें बता दूं, वैसे तो एप्लीकेशन पार्ट हमने कवर ही कर लिया है। एप्लीकेशंस में सबसे पहले यही चीज जो हमने डिस्कस किया बेटा, कि लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड व्हेन वी डिसाइड यू नो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ये है ना, जेड इफेक्टिव जो है इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो जो साइज होगा एटॉमिक साइज वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये चीज। और टॉप टू बॉटम में शेल नंबर विल डिसाइड द आंसर, नॉट जेड इफेक्टिव, वो तो ठीक है, वो हम अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने आपको बोला था कि वाई फोर एस ऑर्बिटल इज फिल्ड earlier than 3D, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन थ्रो किया था, तो 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन भरने की बात आती है तो फर्स्ट टाइम किस एलिमेंट के लिए आती है, तो वो आती है पोटेशियम के लिए, पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक सब 18 अच्छे से भर गया। नाउ जैसे ही 19th इलेक्ट्रॉन आता है तो क्वेश्चन आता है कि 4s में जाए या 3d में, देयर इज अ कंपटीशन, तो फिर क्या करें उसके लिए, उसके लिए फिर वो कहता है कि ऐसा करो कि दोनों के लिए जेड इफेक्टिव निकाल लो, दोनों के लिए जेड इफेक्टिव निकाल लो, जब तुम दोनों के लिए जेड इफेक्टिव निकालोगे तो जिसका जेड इफेक्टिव कम आएगा वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उसी में एंटर करना चाहिए। तो जब तुम 4s के लिए जेड इफेक्टिव निकालते हो ना बेटा, 4s के लिए, क्योंकि अब तुम्हें निकालना आता है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, जेड इफेक्टिव जब तुम 4s के लिए निकालते हो तो ये आता है 2.2, और वही जेड इफेक्टिव जब तुम निकालते हो 3d के लिए, ये मान लो कि 3d में इलेक्ट्रॉन गया तो उसके रूल्स लग जाएंगे, मान लो 4s में गया तो उसके रूल्स लग जाएंगे, तो उसके हिसाब से जेड इफेक्टिव बदल जाता है, ये 1 आता है। किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है बेटा? 4s का, इसीलिए 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्या ये एप्लीकेशन समझ में आया बेटा? ये इंपॉर्टेंट है कि तुमने मान लिया कि 4s में जा रहा है और जेड इफेक्टिव निकाल लिया, तुमने मान लिया कि 3d में जा रहा है और जेड इफेक्टिव निकाल लिया, जिसका जेड इफेक्टिव जो है ज्यादा आएगा उसी में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, क्योंकि वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल बनेगा। हो गया बेटा। अब इसी में जैसे मैं तुमको बताऊं उसके लिए क्या बोलते हैं कि आप जो एप्लीकेशन है कि वाई यू नो 4s इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फर्स्ट देन यू नो 3d, जब मान लीजिए ऑर्बिटल सारे भरे हुए हैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुमने ऑलरेडी लिखा हुआ है और तुम्हें कैटायन बनाना है। मान लीजिए तुम्हारे पास MN दिया हुआ है और तुमको MN को जो है कैटायन बनाना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो कहां से निकालेंगे? तो उसका आंसर है 4s से निकालते हैं, नॉट 3d, यानी भरते समय भी 4s और निकालते समय भी 4s। क्यों ऐसा? तो फिर उसमें वही चीज, जैसे MN का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो, क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहां आएगा 3d5, 4s1। बात समझ में आया? 4s2, 4s2, ये MN का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सब लोग जानते हैं बेटा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें कैसे पता चलेगा 4s से निकालना है? तो हम लोग 3d वाले इलेक्ट्रॉन के लिए z इफेक्टिव निकालेंगे और हम लोग 4s वाले के लिए z इफेक्टिव निकालेंगे। जिसका z इफेक्टिव ज्यादा निकल गया, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूक्लियस ज्यादा खींच रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, जब तुम z इफेक्टिव निकालते हो इस 3d इलेक्ट्रॉन के लिए, जब तुम z इफेक्टिव 3d इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हो, तो ये आता है 5.6। आप निकाल कर देखना। और z इफेक्टिव 4s के लिए, अच्छा इसमें ध्यान रखना, 4s वाले निकालते समय वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर, जिसमें n n-1, यानी 4 को n मान लिया तो बाकी n-1 सारे 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन फिर 13 × 0.85 से कर देंगे। समझ में आया? थोड़ी देर पहले किया था हमने। तो ये करीब आता है 3.6, ये 3.6 आता है। तो किसके लिए z इफेक्टिव ज्यादा निकला? 3d के लिए निकला, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आसान है, वो तो ज्यादा न्यूक्लियस खींच रहा है, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा? 4s से। तो थर्ड एप्लीकेशन है, why transition metal atoms lose ns electrons first during ionization, why transition metal atoms lose ns electrons first during ionization। तो ये हमने एप्लीकेशंस भी फिनिश कर लिए। वैसे मतलब ये तो रूल्स हैं, लेकिन इसके अपने लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि स्लेटर्स रूल कह रहा है कि जो NS और NP के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन सेम कर दो, तो ये अपने आप में एक गड़बड़ी है, क्योंकि NS इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, तो फिर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी जो जेड इफेक्टिव जो है उसके इसमें कम हो जाना चाहिए। मतलब इट्स लाइक कि NS का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा स्क्रीन करता है, बट ऐसा कंसीडर नहीं किया गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के साथ हम जो है स्लेटर्स रूल को यूज करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और फिर तुम रेस्ट कर सकते हो।